से लड़की आप कौन है? हस्बैंड है लॉर्ड सिम्स का। कहाँ? तो इंटरकास्ट मैरिज है जी। इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज है लॉर्ड सिम्स। तो लड़की हिंदू हो गई कि मुसलमान नहीं है? हमारी नजरों में ये बात एक्सेप्ट हो जाएगी तो समाज का क्या होगा? मांग रहे क्या मांग रहे? गेट को मैं मांग ही रहा हूँ मगर कन्वर्जन मैंने नहीं कराई, मेरी पावर नहीं है कन्वर्जन की। मैं बात क्लियर करना चाहता, मेरी पावर कन्वर्जन की नहीं है। तो आर्या समाज एक्ट के तहत दोनों आर्या समाजी, ये तो अभी जेल जाएगा। नहीं इनसे बात कर रहा, मेरी तो मेला पहले से अंदर है साहब। हाँ, 10 महीने वो भी, वो तो जान दो निकेतन में उसको। ये तमाशा हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। नहीं तो लॉर्डशिप वो मेजर मान बन के लॉर्डशिप, असल में मुस्लिम से लड़की हिंदू बनने आई है लॉर्डशिप, ये 10 महीने से कस्टडी में और मेजर है लॉर्डशिप। तो मुसलमान बन जाओ ज्यादा अच्छा है। नहीं तो लॉर्डशिप ये मुसलमान बन के क्या करेगा लॉर्डशिप? इसने जो तुम समझो क्या करेगा उस बच्ची को, मुस्लिम से हिंदू बनी है, ये फ्रॉड करके उसको कन्वर्जन कर दिया है, ये बताओ ये कोई तरीका है? देखो वकील साहब, डोंट आर्ग्यू समथिंग विच इज इन एयर, यू हैव टू। देखो दिल्ली से आए हो तो बहस वो करो जो कानून में बात हो, यहाँ वहाँ लफाजी। रिस्पॉन्डर नंबर 6 के लिए मैं पेश हूँ। हाँ तो आप शाम से अभी बैठिए आप, ठीक। जब आपका टर्न आए तब आप बहस करें। दिल्ली से आए इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको हम पहले सुन रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस को डिस्टर्ब करते हुए। मैं जनाब को बताने की कोशिश की, मैंने प्रैक्टिस को ब्रेक। आप तशरीफ रखें, बैठ जाएं आराम से आप। हाँ आप बताइए भाई कौन है आप? लॉर्डशिप कॉर्पस पिटीशन है। हैं? कॉर्पस पिटीशन है लॉर्डशिप। क्या है इसमें? इसमें लॉर्डशिप बाय द ऑर्डर नेक्स्ट है P1 लॉर्डशिप देखें। P1 जी, ये पेज क्या नंबर 14। हाँ इसमें लॉर्डशिप कॉर्पस हीना खान को हाँ नारी सुधार गृह में रखा गया था, थाना प्रभारी पुलिस थाना पिछोर के द्वारा अपराध क्रमांक इतने इतने में अपहरणकर्ता हीना खान पुत्री सोएंसो निवासी सोएंसो को दस्तयाब कर समक्ष में प्रस्तुत किया गया। अपहरणकर्ता हीना खान ने अपने माता पिता एवं परिजनों के साथ जाने से इनकार कर दिया, इस कारण से उसे वन स्टॉप सेंटर शिवपुर में प्रवेशित कराया गया। वन स्टॉप सेंटर में महिला हिना को आश्रय देकर मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता द्वारा किया गया एवं परिवार के साथ सह परामर्श भी किया गया, किंतु वह आरोपी के परिवार में जाने को जिद पर अड़ी है क्योंकि प्रकरण धर्मांतरण से संबंधित है। ऐसी स्थिति में अपहरणकर्ता हिना खान को आरोपी राहुल रोहरा अथवा उसके परिवार को सुपुर्द किया जाना न्याय हित में संगत नहीं है, बिल्कुल ठीक। अतः हिना खान को सुरक्षा एवं किया जाता है तथा प्रशासक वन स्टॉप सेंटर को। क्या नाम है आपका? राहुल। और लड़की का नाम क्या है? हीना खान लॉर्डशिप। तो इंटरकास्ट मैरिज है जी। इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज है लॉर्डशिप। तो लड़की हिंदू हो गई कि मुसलमान नहीं है वो? नहीं हिंदू। किसने हिंदू बनाया उसको लॉर्डशिप? अल्टीमेटली आर समाज मंदिर में शादी की थी उसको। हिंदू किसने बनाया? आर समाज मंदिर नहीं लॉर्डशिप। अच्छा आर समाज मंदिर कौन खड़ा हो रहा है? आओ चलो भाई। आप ये आर समाज मंदिर है आप? अच्छा ये मंदिर कब बना वहाँ पर? ये मंदिर जनाब इसकी रजिस्ट्रेशन डेट पूरी से असिस्टेंस ले लो। नहीं वो तो आज आए इसीलिए होंगे असिस्टेंट देने के लिए ना, पिछली बार तो आए थे वकील साहब बोले हम बताएंगे सब कुछ। आज वकील बदल गया? वकील नहीं बदल गया, कई बार हम लोग अपने ही दाएं बाएं मेरी वो डेट सी दाएं बाएं सीधे की बात नहीं कर रही, सीधी बात ये है पिछले दूसरा वकील आए थे वो बोले साहब हम जवाब देंगे, इस हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है जनाब। हाँ जवाब जनाब काउंटर फाइल कर दिया। कब किया है फाइल? ये जनाब फाइल हुआ है 3 जून है? जून 2022 को फाइल हुआ जनाब। जून 2022? हाँ वो तो इसमें अभी है नहीं है? ये तो निरंजन वशिष्ठ है कोई जनरल सेक्रेटरी। हाँ हाँ जनाब ये तो अप्रैल में फाइल हुआ है। काउंटर एफिडेविट फाइल किया था, इसमें रिकॉर्ड में नहीं है। कब फाइल किया? मंगलवार को किया था। पहले करना चाहिए था ना भाई, मंगलवार को किए, आज बृहस्पतिवार है। बैठिए अभी देखते हैं, बुलाओ रिप्लाई बुलवाओ इनका। मिस्टर रघुवंशी आपको कॉपी मिली रिप्लाई की? कॉपी है कि नहीं आपके पास? नहीं नहीं, बिकॉज आपके ही ऑब्जेक्शन में मैंने इनको बुलाया है। मिली है सबसे रिसीविंग है इनकी? है जरा देख लीजिए उसको। और जरा सा SPO कुछ इनको SSP को बोलिए कुछ पुलिस फोर्स रिक्वायर हो सकती है,
बिकॉज देयर अपीयर्स टू बी सम फ्रॉड. लेट अस अंडरस्टैंड हु इज द व्हिच इज दैट आर समाज. जब पता कर लिए कि ये आर समाज का यहाँ पे कौन है हेड. हाँ ग्वालियर गाजियाबाद का है. नहीं ये तो गाजियाबाद का है. ये तो कुछ नहीं है, ट्रस्ट डीड बना के रखा हुआ है इसने अंडर विच इंडियन पब्लिक ट्रस्ट और सम लोकल पब्लिक ट्रस्ट. जो सवाल पूछे उसका सीधा जवाब दो. रजिस्ट्रेशन एक्ट में नो यू हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट दिस ट्रस्ट. ट्रस्ट इज अ लीगल एंटिटी एंड ट्रस्ट ओ सर्टेन अकाउंटेबिलिटी अंडर द एक्ट. सो देयरफॉर यू हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट अंडर विच एक्ट यू आर रजिस्टर्ड एज अ ट्रस्ट. As far as my solemnization of marriage is concerned, I am asking you your first question. You have raised, you have referred to first document. Please. Regarding trust deed. Now you show me under which act it is registered as a trust. Please. So this is under Registration Act. Registration Act. Registration Act is what? It is not a sale deed. No, it's not a. It is not a gift deed. If therefore you have to first demonstrate. Under which trust act you have come here and registered? Well, allow me to read. You show me first law that because you say you are a trust. Now trust has some responsibilities which are provided for under the trust act. Please, my lord. So under which act you are registered as a trust? The authority which registers you. As far this act is concerned. This information is not ready with me, but this is a general practice in Ghaziabad. Dekho, Vakil Sahab, don't argue something which is in air. No. You have to ask. Dekho, Delhi se aaye ho, to behas wo karo, jo kanun mein baat ho. Yahan wahan lafaji mat karo. Kanun. Document, aapne kis act mein trust ke naam pe register kiya? Show me the act. I have to check for the book. But for time. After arguing for a while in the Dalna number 6 ke liye, press for time. List on 27th of July. So and so number 6 shall remain present on the next day. 27th of July. Can I ask why they check? ये तो अभी जेल जाएगा. नहीं इनसी बात कर रहा, मेरी तो महिला पहले से अंदर है साहब. वो तो जान दो निकेतन में उसको. ये तमाशा हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते. नहीं तो लॉर्डशिप वो मेजर है लड़की, उसका कुछ तो निराकरण कर दे साहब. तुम बन जाओ काजी के पास जाओ. अब ये मुसलमान बन के लॉर्ड से वासल में मुस्लिम से लड़की हिंदू बनने आई है लॉर्ड से. अब ये 10 महीने से कस्टडी में और मेजर है लॉर्ड से. तो मुसलमान बन जाओ ज्यादा अच्छा है. नहीं तो लॉर्ड से ये मुसलमान बन के क्या करेगा लॉर्ड से इसने. जो तुम समझो क्या करेगा उस बच्ची को है मुस्लिम से हिंदू बनी है. ये फ्रॉड करके उसको कन्वर्जन कर दिया है. ये बताओ ये कोई तरीका है लॉर्डशिप. ये ना कोई तुम्हारा स्टेटस है ना कुछ. अभी तो इसमें काजी को भी बुलवाएंगे इसमें हम. आप और किसी हिंदू किसी मुसलमान को हिंदू बना रहे मजाक बात है. ये हम अगर हमारी नजरों में ये बात एक्सेप्ट हो जाएगी तो समाज का क्या हो. मांग रहे हैं गेट को मैं मांग ही रहा हूँ मगर कन्वर्जन मैंने नहीं कराई. मेरी पावर नहीं है कन्वर्जन की. मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ. मेरी पावर कन्वर्जन की नहीं है. तो आर्य समाज एक्ट के तहत दोनों आर्य समाजी बने और उनकी डिक्लेरेशन मिस्टर काउंसिल आर्य समाज आदमी कोई मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी. सॉरी आर्य समाज एक्ट है 1937. काम कर दो बहस कर दो. नहीं बहस के लिए जनाब ने जो क्वेश्चन पूछा उसके लिए मैंने टाइम. हाँ तो इसीलिए बोल रहा हूँ या तो बहस करो या टाइम लो. एक काम करो. हाँ तो टाइम दे दो जनाब. हाँ टाइम दे रहा है नहीं से हम बात कर रहे हैं. मैंने नहीं करा ये मैं क्लियर कर रहा हूँ. ध्यान रखो लड़की ने अपनी मर्जी से किया है. हाँ लड़की ने किया है. अभी तो फैजल कहाँ है भाई. फैजल को बुलवाओ. फैजल आए क्या. फैजल को बुलवाओ. और ये दिखाइए मिस्टर रघुवंशी ये जो पेज नंबर 19 में उन्होंने लिखा है ना इस बात को. और इन्होंने लिख दिया सर्टिफिकेट में. ये सर्टिफिकेट आपने किस एक्ट में जारी किया. आर्य समाज उसमें कहाँ लिखा है कि आर्य समाज में जनाब. मुझे ये बताओ आर्य समाज में कहाँ लिखा है मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में दैट यू कैन इश्यू सर्टिफिकेट. नहीं आर्य समाजी बन गए वो तो डिक्लेरेशन. ऐसे नहीं होता. स्टेट हैज टू रेगुलेट इट. मैं रेगुलेट नहीं ये आप यू आर क्रिएटिंग अ हैवॉक. तो फिर क्या करोगे हिंदू लड़के को मुस्लिम बना के बोलोगे निकाह हो गया.
क्योंकि हम तो आर समाज वाले हैं, हमारे यहाँ जात पात कुछ चलता नहीं है, और इसलिए मुसलमान बोलता है मैं हिंदू बन गया तो सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। ये गोरख धंधा बंद करो जनाब, आज से ही बंद। तो बोलो तरफ से आई अंडरटेक बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट इफ इट इज अनलॉफुल प्रैक्टिस आई 100% अनलॉफुल है बिकॉज यू हैव नो अथॉरिटी इन लॉ to issue a certificate. As per certificate is concerned, it is only her declaration. No, it is not done. It is not done. Okay, it is not a mere. There is a sanctity attached to a religion. Whether you practice Hindu religion or you practice any other religion, including Muslim religion, they have their own laws. she adopted on her. She embraced. It's not a question of she has come on her own. It's a question. It's a question. That whether how a Hindu is converted to Muslim or vice versa. There are certain ceremonies, there are certain... Chanting Gayatri Mantra, I have written on my counter effect. Chanting of Gayatri. You better argue the matter, that will be better. Well, this trusted act will remain on because I am not confident on, but as for this is the register, I am not a forgiver. It appears that you have taken briefing while coming to the... I will prepare it, ma'am. Are you but I have not converted this what I do. You have to answer many a questions. Number one, I will answer status of this institution, how it is a trust, under which act you are registered. Number two, whether the trust which is styled itself as Ar Samaj Vivaha Mandir, does it have any recognition? Number three, whether it has any authority in law to issue marriage certificate. Number four, knowing well that the girl is a Muslim, can an Ar Samaj alleged mandir can solemnize a marriage of a Hindu boy with a Muslim girl on a just statement that I have converted into a Hindu religion? You are creating total disturbance in society. As for my purpose, and this man, in fact, that possibility can't be ruled out that this man may be prosecuted for doing illegal admission. Faisal, I am appointing you as amicus in this case to assist this court, and also as regards the intricacies involved in the matter of conversion. Please. Of a Hindu into Muslim or Muslim into Hindu. Shri so and so for the petitioner, Shri Raghuvanshi with Shri Devendra so and so. बलवंत सिंह नाम लिखवा उनसे, लिखो नाम, लिखो उनको दो नाम, लिखो दो बलवंत सिंह सोहनसो विद सोहनसो फॉर नंबर 6 टू स्टॉप फॉलोइंग सीरियस इश्यूज अराइज टू एड्रेस।